सीरियस प्रॉब्लम हो जाएगा बच्चे के लिए, बिकॉज बच्चे इसको छोड़ते नहीं है। और इसके अब तीसरा एज ग्रुप आता है 15 to 20 इयर्स। नो 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 नो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आजकल जिम जाना लोगों में एक ट्रेंड बन गया है, एक फैशन बन गया है। कोई अपने सिक्स पैक एब्स के लिए जिम जाता है, तो कोई बड़े मसल्स के लिए जिम जाता है, तो कोई अपने आप को हीरो और फिटनेस मॉडल जैसा दिखने के लिए अपना फिटनेस लेवल इंक्रीज करता है और वो जिम की तरफ जाता है। तो बेसिकली हम लोग उस एज के और उस लेवल पर जा चुके हैं कि अपने लाइफ के डिसीजन ले सके, हम लोग जिम में जाकर अपने आप को इंजरी से बचा सके, अपने आप को वेट ट्रेनिंग किस टाइप से करनी है और मसल कोऑर्डिनेशन हमें कैसे करना है, ये लोग हम समझ सकते हैं। लेकिन जहां बात आती है हमारे बच्चों की या फिर हमारे घर में जो बच्चे हैं उनके लिए, कि उनका वर्कआउट जो टाइम है वो किस एज से स्टार्ट करवाना है, या फिर किस एज के साथ साथ उनका वर्कआउट फॉर्म क्या होना चाहिए और उन्हें किस टाइप का वर्कआउट करना चाहिए, तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली ग्रुप के साथ शेयर करें, ताकि वो भी अपने बच्चों को इस टाइप से एजुकेट कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आजकल बच्चों में पढ़ने का और आगे निकलने का इतना ज्यादा स्ट्रेस बढ़ गया है कि वो लोग स्ट्रेस के चक्कर में ओवरईटिंग करते हैं, और ओवरईटिंग से होता है फैट गेन, और स्ट्रेस लेने से भी डायरेक्टली फैट गेन होता है और हमारी बॉडी डिसबैलेंस रहती है। तो साथ ही साथ ये जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये बहुत ही ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम हो जाएगा बच्चों के लिए, बिकॉज बच्चे इसको छोड़ते नहीं है, और इसके साथ साथ इसमें गेम खेलने के साथ साथ वो लोग साथ में जंक फूड खाते रहते हैं, जिसकी वजह से उनका वेट गेन हो जाता है और वो थोड़े आलसी हो जाते हैं। तो बेसिकली जो 5 से 10 इयर्स के बच्चे हैं, आप कोशिश करें कि जिस स्कूल में भी वो जा रहे हैं वहां का फिजिकल एक्टिविटी जो होगा वो अच्छे लेवल का होना चाहिए, या फिर वहां पे फिजिकल एक्टिविटीज होती हो, कोई कॉम्पिटिशन होता हो, जैसे रनिंग कॉम्पिटिशन, स्पोर्ट्स या कोई किसी भी टाइप का स्पोर्ट्स होना चाहिए वहां पर, ताकि बच्चा फिजिकल एक्टिविटी में लगा रहे। तो इससे क्या होगा कि वो अगर स्कूल में फिजिकल एक्टिविटी करता है तो वैसे ही वो थका हुआ आएगा और नॉर्मल डाइट खा के रेस्ट करेगा। इससे दो बेनिफिट हैं, एक तो उसकी बॉडी ग्रोथ होगी, और सेकंड जो है प्रॉपर स्लीप की वजह से जो उसका स्ट्रेस लेवल होगा वो भी डाउन होगा। तो जो 5 से 10 ईयर्स के बच्चे हैं उन्हें स्कूल में या फिर अपने घर के पार्क में फिजिकल एक्टिविटीज में एक्टिवेट करें। अब हमारा सेकेंड एज ग्रुप है 10 to 15 ईयर्स का। देखिए, इस एज में बच्चे थोड़ी से समझदार होना स्टार्ट हो जाते हैं और अपने आप को दूसरों के कंपेयर ज्यादा अच्छा दिखना ज्यादा पसंद करते हैं। तो इस एज ग्रुप में आप उन्हें कोशिश करिए कि किसी ऐसे गेम में डालें जिससे कि उनका एक फोकस बना रहे, एक टारगेट बना रहे कि हमें इस टाइप का बॉडी मेंटेन रखना है या फिर हमें इस टाइप का फिटनेस लेवल मेंटेन रखना है। जैसे आप उन्हें टाइकोंडो में डाल सकते हैं, जूडो में डाल सकते हैं, बॉक्सिंग में डाल सकते हैं, और आप उन्हें एथलीट वाले किसी भी इवेंट में डाल सकते हैं। तो इससे वो हमेशा फिटनेस के लिए एक्टिवेट रहेंगे और लाइफ में हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपना एक गोल सेलेक्ट किया है कि अगर वो बॉक्सर है तो उसे पता है कि उसे बॉक्सिंग करनी है, और बॉक्सिंग करने के लिए भी बहुत ज्यादा फिजिकल ट्रेनिंग, वार्म अप और वर्कआउट्स कंपलसरी होते हैं। तो अगर वो सही सारे वर्कआउट करेगा तो सिंपल सी बात है उसमें फिटनेस और मेंटल दोनों लेवल ग्रोथ होगा और उसका मोटिवेशन लेवल हाई रहेगा। अब तीसरा एज ग्रुप आता है 15 to 20 इयर्स। डिंग डिंग। 15 और 20 इयर्स का एज जो होता है वो हमारे लाइफ में और बच्चों के लाइफ में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एज ग्रुप होता है, क्योंकि इसी एज में हमारे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस स्टार्ट होते हैं और बच्चे बहुत ही ज्यादा समझदार हो जाते हैं। बट इस एज में भी आपको बच्चों को एक लिमिटेड वर्कआउट में रखना है। अगर आप उन्हें जिम भेज रहे हैं, 15 to 20 इयर्स के बच्चे जिम जा सकते हैं, पहले आप ये बात नोट करें। सेकंड थिंग है कि जब भी आप उन्हें जिम भेजते हैं तो आप साथ में उनके जिम जाएं, और जो उनका ट्रेनर होगा या फिर जो भी उनका इंस्ट्रक्टर होगा उन्हें आप बताएं प्रॉपर कि इसका ये एज है और आपको उसे हैवी वेट लिफ्ट नहीं करवाना। देखिए, हैवी वेट लिफ्ट करने से क्या होगा, उनके मसल जो हैं वो ज्यादा बिल्ट हो जाएंगी और उनका जो हाइट के चांसेस हैं वो रुकेंगे तो नहीं, बट चांसेस हो जाते हैं कि हो सकते हैं कि वो हाइट ना बढ़े। बट कोशिश करें कि उन्हें जैसे क्रॉसफिट हो गया, फंक्शनल ट्रेनिंग हो गया, कार्डियो वर्कआउट्स हो गए, और सर्किट ट्रेनिंग, इन टाइप के वर्कआउट्स में ज्यादा डालें जिसमें आपका लाइट वेट और मैक्स रेपिटेशन हो या फिर उनका कार्डियो लेवल स्ट्रांग हो। क्योंकि 15 साल के बच्चों को नहीं पता होता कि हमें इंजरीज से कैसे बचना है या फिर जिम में हम अपने आप को चोट लगने से कैसे बचा सकते हैं और हमारा जो ब्रेन और मसल कोऑर्डिनेशन होगा वो हमें कैसे करना है। देखिए, आप सबसे पहले ये बात नोट करिए कि वर्कआउट करने से हाइट
बढ़ने या घटने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज वर्कआउट के थ्रू ही हमारी बॉडी में मोबिलिटी ज्यादा होती है, हमारे हार्मोन्स ज्यादा रिलीज होते हैं, और हार्मोन्स रिलीज होगा तो सिंपल सी बात है बॉडी में ग्रोथ बहुत जल्दी होगा। बट कंडीशंस ये हैं कि आपको हैवी वेट लिफ्ट नहीं करवाना या फिर आपको कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करवानी जो विद ग्रेविटी हो, जैसे कि आप वेटेड ज्यादा हैवी वेटेड स्क्वाट नहीं करवा सकते आप, या फिर शोल्डर प्रेस, मिलिट्री प्रेस, इस टाइप की आप कोई भी वर्कआउट नहीं करवा सकते जिसमें कि ग्रेविटी इंक्लूड हो। इन द सेंस कि आप अगर बच्चे का बॉडी वेट ही 40 kg है और वो 20 kg का अगर मिलिट्री प्रेस करेगा तो ग्रेविटी लेवल ज्यादा होगी, और ऐसे कंडीशन में क्या होता है, चांसेस होते हैं कि आपके बच्चे की हाइट रुक सकती है, बट कभी ऐसा हुआ नहीं है सर्वे में, तो आप बेफिक्र रहें और उन्हें वर्कआउट के लिए जिम भेजें। और देखिए जो हमारा 15 से 20 का एज ग्रुप होता है इसमें हमारी बॉडी इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि ये बाहर की चीजों को एब्जॉर्व कर सके, जैसे आप सप्लीमेंटेशन में प्रोटीन लेंगे या फिर ग्लूटामाइन लेंगे या फिर कुछ भी लेंगे BCAA टाइप, तो वो आपकी बॉडी को सूट नहीं करेगा, बिकॉज दैट टाइम हमारी बॉडी सबसे ज्यादा हार्मोनल एक्टिविटीज में इंक्लूड होती है, तो आप अगर ऐसे बाहर चीजें लेंगे तो हमारी बॉडी नेचुरल जो रिसोर्सेस है वो बनाने बंद कर देगी, तो आगे फ्यूचर में आपके लिए ये बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है। और साथ ही साथ अगर इस एज ग्रुप के बच्चे जिम जा रहे हैं तो उनके पेरेंट्स जैसे उनकी मॉम उनके साथ जिम जा सकती हैं ताकि वो पूरे टाइम अपने बच्चे पे नजर रख सके और साथ ही साथ अपना वर्कआउट लेवल भी मेंटेन कर सके। तो जब हमने बच्चों की बात करी है तो सिंपल सी बात है उनकी माँ के बारे में बात करेंगे, तो अगर आपके बॉडी में जैसे ज्वाइंट्स पेन है या नीज पेन है या लोअर बैक पेन है तो आप ऐसे कंडीशन में वर्कआउट करना अवॉइड करें। आप कोशिश करें कि आप थोड़ा सा योगा कर सकते हैं या फिर आप कार्डियो वर्कआउट्स कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ऐसे कंडीशन में भी आप वर्कआउट नहीं कर सकते, लेकिन आप स्टार्टिंग के जो 4 to 6 मंथ्स होते हैं इसमें आप योगा कर सकते हैं, और अगर आप पीरियड्स में हैं तो आप वर्कआउट नहीं कर सकते। और अगर आपको करना है तो पहले मेक श्योर कि आपका जो ब्लड फ्लो है वो ज्यादा ना हो, या फिर डेज के अकॉर्डिंग आप अपने आप खुद पता करें कि अगर आपका फ्लो ज्यादा है तो ऐसे कंडीशन में आप वर्कआउट अवॉइड करें, अगर सेकेंड डे भी ज्यादा है तो आप ऐसे कंडीशन में भी आप वर्कआउट अवॉइड करें, और अगर आपका फ्लो नॉर्मल है तो आप वर्कआउट कर सकते हैं। तो चलिए आपको पता चल गया कि 5 से 10 साल के बच्चों को हमें किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखना है जो हमारे फिजिकल से रिलेटेड हो। जो 10 to 15 ईयर्स के बच्चे होते हैं उनको आप किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में डाल सकते हैं, जैसे जूडो कराटा हो गया, ताइक्वांडो हो गया, बॉक्सिंग हो गई, या फिर किसी भी एथलेटिक गेम में डाल सकते हैं। और जो 15 से 20 ईयर्स के बच्चे होते हैं उनको स्पोर्ट्स में तो रखना जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ उनके थोड़े से स्ट्रेंथ के लिए, बॉडी शेप के लिए और स्टेमिना और स्ट्रेंथ के लिए आप उन्हें जिम ज्वाइन करवा सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको वीडियोस में बताई हैं उनके साथ। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो या फिर आपने किसी से सीखा हो तो आप मेरे चैनल पर जाएं, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपने बच्चों को इस एज के अकॉर्डिंग जिम जाना स्टार्ट करवाएं और उनका फ्यूचर जो है बेस्ट टू बेस्ट बना सकें। थैंक यू।